गाइस एंड वेलकम बैक टू जीकेवी गाजी के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज का ये व्लॉग होने वाला है मेरे रूम का एक मेकओवर। छोटे मोटी चीज़ों से मैं मेकओवर देने वाला हूँ अपने रूम को। तो पहले मैं उन चीज़ों को ख़रीदने जाऊँगा मार्केट, आज मैं आपको सब बताने वाला हूँ। और मैंने एक चीज़ जो है ऑलरेडी बना ली है, तो वो और सारा कुछ इसमें DIY है। तो आप आगे इसमें देखेंगे कि मैं क्या क्या कम बजट में अपने रूम को कैसे मेकओवर देता हूँ। तो मेरे साथ चलिए और अब हम चीज़ें लेने निकलते हैं, उसके बाद मैं आपको कंटिन्यू दिखाऊंगा मैंने कैसे डेकोरेट। गाइस ये अभी करंट लुक है मेरे बेडरूम का। ये यहाँ पर मेरे बेटे मगाजी का कॉट है, ये बेड है और ये यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल है। तो अभी मैं इसको फ़िलहाल के लिए कुछ एक अलग लुक ओवर देने वाला हूँ रात का। जो मैंने बताया था वो लाइट का, वो अभी तक नहीं हो पाया है। गाइज इसे कहते हैं फ्लोटिंग बेड। LED लाइट्स लगाई जाती है बेड के नीचे, जैसे ऐसा लगता है ये बेड हवा में है। तो आज हम सेम ट्राई करेंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर की लाइट ले सकते हो, अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँ। तो गाइज मुझे ये वाली मैंने अमेज़ॉन से मंगाया हूँ, आप चाहो तो लोकल वेंडर से ले सकते हो। और इसको ऐसे स्टिकिंग आती है पीछे, तो ये मैंने बेड के नीचे देखिए ऐसे प्लेस करना स्टार्ट कर दिया, इसको स्टिक करना स्टार्ट कर दिया। मैंने 5 मीटर का रोल मंगवाया था ताकि पूरे बेड को कवर हो जाए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया हूँ अमेज़ॉन का, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। वैसे ही आपको लोकल वेंडर के पास भी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी ले सकते हो। और देखिए फहद कितनी क्यूटली मेरे इंक्विजिटिव है, मैं क्या कर रहा हूँ वो मेरे काम को देख रहा था। तो ये मैंने पूरी राउंड लाइट लगा दी है और मेरा फाइनली काम कम्प्लीट हो चुका है। लाइट्स ऑन होने के बाद इसका ऐसा लुक आया था। चलिए हमारा ये काम तो हो गया, अब ऊपर का काम शुरू करें। मेरा यहाँ पर थोड़ा सा आर्टिफिशियल गार्डन एरिया है, तो ये मुझे यहाँ का कर्टन चेंज करना है। अच्छा, यहाँ के लिए मैंने कर्टन एक डिज़ाइन किया हूँ, वो भी आपको बताऊँगा मैं। और ये थोड़ा क्लटर यहाँ पे रखा है, ये बॉक्सेस वगैरह ये हटाना है, इसको झूले को थोड़ा हटा के। और यहाँ पे अब देखते हैं मैं क्या क्या कर पाता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैं ये वाली जो बेडशीट है वो चेंज कर दूँगा। और ये एक वाइट मैंने खास लेके आया था, तो ये मुझे वाइट कलर के ऊपर ऐसे मल्टी कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। ये उसके साथ पिलो कवर्स भी है, तो हम इसको लगाते हैं। तो ये देखिए गाइस, सिर्फ बेडशीट चेंज करने से पूरा बेडरूम का कितना अब तक का लुक अच्छा आ रहा है। ये मल्टी कलर की बेडशीट कितनी प्यारी लग रही है। और उसके साथ में मैंने यहाँ पर रखा हूँ ये मल्टी कलर का एक कुशन है, और ये एक हैप्पी बर्थडे का LED वाला लाइट वाला कुशन है, उसको मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये तकिए के कवर्स है। तो अब मेरा बेड का काम हो चुका है, अब कर्टन्स बाकी है। और यहाँ सामने थोड़ा बेसिक लग रहा है, तो मुझे यहाँ कुछ करना है, आपको यहाँ भी बताता हूँ। गाइस मैंने सोचा मैं यहाँ पर एक कैनपी बना देता हूँ शेयर कर्टन्स की। ये मेरे पास में शेयर कर्टन्स का फैब्रिक था, तो मैं यहाँ पर एक कैनपी बनाऊँगा और उसके ऊपर से फेरी लाइट्स।
गाइस, मेरे बेड के यहाँ पर रैक के ऊपर मैंने कुछ शो पीसेस, कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स के पॉट, छोटे से मिनी पॉट्स रखे हैं और ये अपना एक फेवरेट कॉर्नर बनाया है। तो हमारा लुक हो चुका है कंप्लीट, हमारा मेकओवर कंप्लीट हो चुका है। तो ये है इसका फाइनल रिवील। ये यहाँ पर कैसे लग रहा है आपको, ये लुक बताइएगा मुझे ज़रूर कमेंट में। अब मैंने नीचे की लाइट ऑन नहीं की, अब नीचे की लाइट ऑन करके ये रूम का लुक डार्क में बहुत अच्छा आता है लाइट ऑफ करके, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा लाइट्स एड ऑन करी है। और वही दिन पे मेरी वाइफ का बर्थडे भी था, तो मैंने रोज़ पेटल से हैप्पी बर्थडे जो आप देख रहे हैं बेड पे लगाया है। और ये कॉर्नर का भी लुक देखिए कितना एनहांस हो चुका है। अब मैं ऑन करता हूँ एलईडी लाइट। तो गाइज, ये मेरा मेकओवर कंप्लीट हो चुका है रूम का। ये वाला है देखो फ्लोटिंग बेड जो मैं आपको बता रहा था, ये एलईडी लग चुकी है क्योंकि मेरे रूम का कलर पर्पल है, तो उसके हिसाब से मैंने ये पर्पल कलर की लाइट अंदर द बेड डाल दिया हूँ। और इससे ऑल टुगेदर पूरे रूम का व्यू, बेड का व्यू बहुत ज़्यादा बढ़कर आ गया है। और ये आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, इसे कहते हैं फ्लोटिंग बेड। और इसकी ओपनिंग कर चुका है हमारा फहद। ये देखिए फहद को बहुत अच्छा लग रहा है। फहद आपको कैसा लग रहा है बताइए। ही इज़ फीलिंग वेरी कोजी इन दिस रूम। और ये न्यू मेकओवर इसको बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे आप भी कमेंट करके बताइए आपको ये रूम का मेकओवर कैसा लगा। तो गाइस, अगर आप लोगों को भी आपके बेडरूम्स में या फिर ऐसे कोई भी छोटे स्पेस में आपको आपके लिए, वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी के लिए भी आपको ऐसे एनिवर्सरी सेटअप्स या बर्थडे सेटअप्स, प्रपोजल सेटअप्स या एक कोजी नाइट आउट का आपको प्लान करना है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आगाज़ डेकोर्स को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइज अपना नंबर डाल दिया है, अगर आपको भी इसमें इंक्वायरी करनी हो, आइटनरीज मालूम करनी हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ओनली व्हाट्सएप के थ्रू इंक्वायरीज ली जाएगी, नो कॉल्स अलाउड। तो आपको भी अगर अपने लव्ड वन को, स्पेशल वंस को सरप्राइज करना है या उनके लिए एक कोजी इवेंट ऐसा ऑर्गेनाइज करना है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पैकेज स्टार्ट होते हैं ओनली ₹1999 से, और उसके ऊपर जैसी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी हम आपके लिए कस्टमाइज कर देंगे प्लान को। तो अपने इवेंट्स को आप ब्यूटीफुल बनाइए। एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड कीप वॉचिंग जीके।